हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के भी। देखिए, आज हम 28 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हिंदी का पेपर वन का हम पैडागोजी का जो 15 क्वेश्चन पैडागोजी का पूछा जाता है उसका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा मतलब 15 का पूरा डिस्कशन करेंगे, समझे। देखिए, इससे पहले हम आपका 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा ना तो आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा, समझे। 15 में आपका 13-14 आराम से आने लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को 106 से क्वेश्चन होता है कि एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश देती है कि और विद्यार्थी दी गई क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, अध्यापक किस उपागम का प्रयोग करें। देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए, संरचनात्मक उपागम क्या होता है, जिसमें बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करे, समझे। जिसमें बच्चा, जैसे उसको एक परिवेश मिल गया, उस परिवेश में से स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम लोग संरचनात्मक उपागम कहते हैं। यही रचनात्मक उपागम, यही है, दोनों सेम ही है। संरचनात्मक उपागम और रचनात्मक उपागम सेम ही है, दोनों में निर्माण ही किया जाता है, समझे। उदारवादी उपागम उतना कुछ है नहीं, समझे, लेकिन समग्र भौतिक उपागम समझते हैं क्या। देखिए, समग्र भौतिक उपागम में क्या होता है, इसमें जो शिक्षक होते हैं ना, तो जो चीज़ बोलेंगे ना, तो उसी में बच्चा तालमेल बैठा कर, मतलब दोनों में तालमेल बना दें। शिक्षक बोल रहे हैं और विद्यार्थी उसको लिख रहा है, यानी निर्देश दे रहे हैं और विद्यार्थी क्रिया कर रहा है। जैसे मान लीजिए टीचर श्रुति लेख लिखाते हैं, तो बच्चा फिर क्रिया करने लगता है, इन दोनों में तालमेल बैठता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऊपर प्रतिक्रिया का मतलब ही समझते हैं कि आप एक क्रिया हो रहा है, उसका आप विपरीत में प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब उल्टा एक क्रिया कर रहे हैं, तो उसी को प्रतिक्रिया, मतलब इसी को हम बोलते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम बोलते हैं, समझ गए। यानी कहेगा कि जब बोलने तथा कार्य में तालमेल बनती है, तो ऐसे उपागम को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, टीचर बोल रहा है और इधर स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, दोनों में एक दूसरे में तालमेल बैठा है, तब लोग क्रिया हो रहा है, नहीं होता तो क्रिया हो भी नहीं करता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम बोलते हैं, समझ गया। तब आंसर वही चीज़ है कि अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश देती है, निर्देश दे रहा है, क्रिया कर रहा है, और फिर शिक्षार्थी दी गई क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, उसी के आधार पर वो एक तरह का और क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम कहते हैं। जब रचनात्मक उपागम और जो संरचनात्मक उपागम है, इसमें बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, समझे। जब बच्चा को एक माहौल दे देंगे और उसमें से बच्चा खोज खोज के कोई चीज़ का निर्माण करेगा, यानी ज्ञान का स्वयं जब निर्माण करता है, तो उसे हम संरचनात्मक उपागम कहते हैं। अब समझ गए होंगे, 106 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि सस्वर पठन। देखिए, दो तरह का पठन कौशल होता है, एक होता है सस्वर, मतलब आप तो बोल के पढ़ रहे हैं, और एक होता है मौन। तो मौन मतलब अपने मन में पढ़ना, तो आप दिमाग लगाइएगा, जो सियाना बच्चा उच्च क्लास में बच्चा जो होता है वो क्या पढ़ता है, तो वो मौन वाचन करता है, समझे। आप लोग वाइगोत्स्की का पढ़े होंगे, एक होता है वाइगोत्स्की का, जब बच्चा अपने से बात करता है उसे निजी भाषा या उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जब बच्चा क्या होता है, यही बच्चा 3 से 5 साल के बीच में पढ़ता है, जब 7 साल, मतलब 3 से 5 साल के बीच में, जब बच्चा 7 साल का प्लस होता है, यानी 7 साल से ज़्यादा रहता है, तो वो बच्चा अपने आप में बात करता है, जिसे साइलेंट स्पीच, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट, या मतलब उसको मौन वाचन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मौन मतलब अपने मन में ही क्या बात करना, इसी को साइलेंट स्पीच कहा जाता है, समझे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि सस्वर पठन, या सस्वर मतलब बोल के पढ़ना, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियाँ मुख्य रूप से किसके साथ जानी चाहिए। तो चलिए वो चीज़ बताइए, बड़ी कक्षा वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, बड़ा कक्षा में तो बच्चा मौन वाचन करता है। औपचारिक कक्षा जहाँ, देखिए यहाँ सिर्फ दे दिया, सिर्फ ऐसे भी कोई चीज़ पर, एक चीज़ पर जब फोकस करे तो सीटेट उसे क्या मानता है, निगेटिव ऑप्शन मानता है। तो सिर्फ बड़ी कक्षा के विद्यार्थी, बड़ी कक्षा वैसे भी बड़ी कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थी जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करते हैं, ऐसा तो चीज़ नहीं कहा गया कि जो कक्षा कार्य नहीं पूरा करते वो तेज में बोलते हैं। यहाँ सिंपल क्या है कि जो छोटा कक्षा में बच्चा क्या कहता है, सस्वर वाचन करता है, समझे। तो यहाँ पर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी के साथ एकदम आपका ऑप्शन क्या है, 1 नंबर, एकदम पॉजिटिव ऑप्शन है। ऐसे आप ऑप्शन छाटिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, समझे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब छाट सकते हैं। सस्वर वाचन मतलब बोल कर पढ़ना, एक होता है मौन वाचन जो अपने मन में पढ़ना, जो बड़ी कक्षाओं में होता है, जो हायर मतलब क्लास में चीज़ होता है, समझे। मौन वाचन जो अपने मन में, अभी भी हम लोग क्या अपने मन में पढ़ते हैं, लेकिन देखिएगा छोटा बच्चा आपके घर गाँव में होगा, घर के अगल बगल में देखिएगा, जोर जोर से पढ़ता है, मतलब जोर जोर से मतलब बोल कर पढ़ता है, इसी को सस्वर पठन कहते हैं। तो इसका आंसर 107 का क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझे। इजी क्वेश्चन है, समझे, इसमें ऐसे छांटिएगा तो आपका आराम से बन जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि सुश्री सुधा अपने विद्यार्थी को
किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने, बोला है किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, समझे। या नहीं बोला है कि आपको इसी पर लिखना है, आपको बिहारे के बारे में स्पेशल लिखना है। देखिए जब विशिष्ट का बात होता है तो वो क्या हो जाता है, एक देखिए आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल आप CDP में पढ़े होंगे, एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। अभी सारी, एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन होता है। देखिए अपसारी चिंतन में आपको मतलब ओपन है सोचने के लिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन। इसमें फिक्स एक ही चीज़ पर आप फोकस करते हैं, अभिसारी में आप केंद्रित हैं, आप एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो अभिसारी चिंतन होता है, जिसका एक ही रिजल्ट है सिंपल, समझे, तो अभिसारी चिंतन कहते हैं। इसको हम बंद उत्तर वाले प्रश्न भी कहते हैं, समझे। अभिसारी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं, यानी जिसका एक ही रिजल्ट है, जैसे 2+3=5 होता है, ये हमेशा 5 ही आएगा, इसे बंद उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। और जो अपसारी होता है जिसे डाइवर्जिंग थिंकिंग बोलते हैं, इसे खुला प्रश्न, खुला मतलब मुक्त अंत वाले प्रश्न बोलिए या खुला अंत वाली प्रश्न बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, तो इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, समझे। अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए थे, कह रहा है कि जो सुश्री सुधा है अपने विद्यार्थियों किसी एक विषय पर, बोले आपको जो मन है उस एक विषय पर आप कुछ लिख दीजिए, या आप फिक्स नहीं करें कि आपको पटने के बारे में लिखना है या आपको बिहारे के बारे में लिखना है, यानी यहाँ पर जब फिक्स नहीं किया जाए, समझे, तो उसे हम लोग कहते हैं मुक्त रचना, उसको बोलते हैं। तो ये लेखन गतिविधि क्या है आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या है, तो ये मुक्त रचना है। जब इसी में जोड़ देता कि नहीं आपको इस किसी एक विशिष्ट टॉपिक पर लिखना है, तो नियंत्रित हो जाता, या नियंत्रित आपको क्या कंट्रोल कर रही हो आपको अपने अति में, तो नियंत्रित रचना हो जाता, समय रचना भी पूर्व, मतलब रचना से पहले जो हम स्केच मतलब अति करते हैं तो रचना पूर्व हो जाता, समझे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होगा कि वो किसी एक टॉपिक, जो मन है आप किसी एक टॉपिक पर लिख, जिसे नहीं रहता है आपका, जिसे देखिएगा कोई चीज़ आप मैट्रिक का एग्जाम दिया तो 4 आपका दिया रहेगा कि भ्रष्टाचार पर, मतलब आपका अति निबंध लिखना भ्रष्टाचार हो गया, उसके बाद आपका भ्रष्टाचार पर हो गया, फिर कहेगा दीपावली, तो किसी एक के पर ना, मुक्त आप ओपन है, आप किसी पर जाकर लिख सकते हैं, या नहीं कहा गया है कि आपको एक पर लिखना ही लिखना है, समझे। जैसे मान लीजिए आपको एकदम जब फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल के तरफ बोल रहे हैं कि जैसे आपका BEd का एग्जाम देते हो, नहीं कहता कि किसी मतलब प्रत्येक यूनिट से, तब प्रत्येक यूनिट आपको नियंत्रित भी कर दिया और 2 क्वेश्चन में किसी एक का देना, यानी आपको स्वतंत्र भी कर दिया कि 2 में से आप किसी एक का जवाब दे सकते हैं, यानी प्रत्येक यूनिट से एक एक का देना ही है और 2 में से कोई एक का दे सकते हैं, नियंत्रित भी है और क्या है वो मुक्त भी है, कि आप 2 में से एक दे सकते हैं तो मुक्त है, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा 108 का। अगला क्वेश्चन है कि सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है, यानी नहीं मतलब कहने का मतलब कि नहीं जो मतलब वाक्य जैसे राम नहीं खाता है, ये सब वाक्यों पर काम कर रही है, वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है, एक मतलब एक सेंटेंस देती होगी और विद्यार्थी से अपेक्षा करती है कि वे इसका नहीं वाले वाक्य बनाए। जैसे राम आम खाता है तो इसका नहीं क्या होगा, तो राम आम नहीं खाता है, वह छोटा कक्षा में बात हो रहा है, समझे, इसका नहीं वाले बनाए। सुश्री आशा क्या सुश्री आशा अपनी कक्षा में क्या कर रही है। अब देखिए वो चीज सिंपल बताया, दोहराव या ड्रिल क्या होता है पहले समझिए इसको। देखिए दोहराव या ड्रिल का मतलब क्या होता है, जब सेम टू सेम वो चीज को, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए राम आम नहीं खाता है, अब फिर हम बोलेंगे बच्चा को बोलो राम आम नहीं, इसको दोहराओ या इसी को हम ड्रिल बोलते हैं, यानी एक ही चीज़ को बार बार कर, ड्रिल नहीं होता आप देखिएगा आपके दीवार में ड्रिल कर, देखिए एक ही चीज़ को घूम ही रहता है, यानी एक ही चीज़ को बार बार करवाना उसी को दोहराओ एवं ड्रिल बोलते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। तो देखिए वो ऐसा तो नहीं करवा रही है, बोल रही है कि वो वाक्य मतलब करवा रही है और एक विद्यार्थी को वाक्य दी और उसको बोल रही है कि इसको आप नहीं वाक्य में चेंज कर दीजिए, समझे। तो ये क्या है, दूसरा टाइप का ना क्वेश्चन, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन दे करवा रही है, समझे। तो ये तो आपका दोहराव वाला बात होगा नहीं, समझे, इसमें भी ड्रिल लगा दिया तो ये ड्रिल है नहीं आपका, समझे, इसमें भी दे रहा है ड्रिल करवा रही है, तो ड्रिल मतलब होता है वही चीज़ को बार बार करवाना, समझे, तो इसीलिए ये भी ड्रिल आपका नहीं होगा। अब देखिए रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, तो इसका मतलब समझिए क्या होगा, रूपांतरण वाली ड्रिल का मतलब देखिए सुनिए, देखिए रूपांतरण का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पक्षांतर, मतलब रूपांतरण मतलब होगा कि एगो क्वेश्चन दे दी और उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन का अभ्यास करवा रही है, उसी को हम लोग रूपांतरण बोलते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उसी टाइप का, मतलब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दे दी राम आम खाता है, अब इसका निगेटिव कीजिए तो बता दी कि राम आम नहीं खाता है, दे दिया कि श्याम आम, तो ये ड्रिल नहीं है, ड्रिल मतलब जो दोहराव है आपका, उसके बाद आपका ऑप्शन है पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए ड्रिल नहीं करवा रही,
कुछ नया सीखने के लिए ड्रिल करवा रही है। प्रतिस्थापन मतलब होता है उसी के जगह पर स्थापित करना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं, समझे। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 109 का, तो आपका हो जाएगा कि वो रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, यानी चेंज करवा करवा के क्वेश्चन को क्या चेंज करवा रही है कि नहीं, ट्रांसफर अलग अलग कर रही है, तो क्या हो जाएगा उसे कहते हैं हम लोग रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, समझ गए। आगे है आपका, तो इसका 109 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला है कि श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी प्रक्रिय रिकॉर्डिंग सुनाती है, एक तरह का रिकॉर्डिंग होगा उसको सुना रही है, समझे। उसके बाद लिखा हुआ है चलिए क्वेश्चन है आपका आगे कि श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। आप जानते हैं कि 4 प्रकार का कौशल होता है, पठन, श्रवण, लेखन और वाचन। अब देखिए इसमें कह रहा है कि रिकॉर्डिंग सुनाई तो उससे कौन कौशल का, सुनना का विकास होगा, ऐसे भी आप जान रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद वह इस श्रव रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कार्य पृथक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करने से सीरियली अपने विद्यार्थियों कौन सा कौशल का पुष्ट कर, एकदम देखिए तो आपको एकदम पता है ये चीज़ क्या है आपका, तो ये आपका श्रवण कौशल यानी सुनने के कौशल को विकास करवाए, फिर उसमें गलत सही बता रहे कि जो सही गलत है उसको आप अपने कापी में लिखिए, समझे। तो पहले सुनेगा तब ना उसके बाद लेखन कौशल का विकास होगा, तो इसलिए पहले श्रवण कौशल क्या हो रहा है उसका विकास हो रहा है, समझे। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रवण कौशल हो जाएगा, समझे। अगला है देखिए, 2 प्रकार का शिक्षण होता है, एक होता है निदानात्मक शिक्षण, एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक मतलब कि हम कारण जानते हैं कि बच्चा किस कारण से फेल हो रहा है, यानी त्रुटि बच्चा जिस कारण से कर रहा है, समझे, उस त्रुटि का हम पता लगाते हैं, समझे। और उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि जब बच्चा हम कारण जान जाते हैं तो उसका उपचार करते हैं, सुधार के लिए, समझे, इसमें हम सुधार करते हैं विशेष रूप से। देखिए पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलता है, जो बच्चा गलती कर रहा है तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार के लिए ऑप्शन हो सकता है। अंक, अधिक अंक मिलना, तो आप जानते हैं अंक निगेटिव वर्ड होता है, विद्यार्थी को उत्तर देने प्रश्न पूछे यानी कारण टाइप का जाने, निंदनात्मक टाइप हो जाएगा, प्रोत्साहित करने नहीं होगा आपका। सबसे अच्छा ऑप्शन 1 नंबर है कि विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलता है उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग से, समझे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है, समझे। आप सुने होंगे दिल मांगे मोर, इसका मतलब एक तरह है क्या है आपका, संयुक्त स्वर नहीं है, न स्वर शैली है, समझे, न विन्यास है आपका, क्या है, शब्द संकेत परिवर्तन है, समझे। शब्द संकेत परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ का संकेत है, समझे। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोडिंग, कोई वर्ड का डिकोडिंग आप पढ़े हैं ना, तो हम कैसे कोई वर्ड का मतलब, देखिए एगो चीज़ सिंपल बता दे, देखिए अब लोग आर्मी में देखते होंगे तो नहीं, अल्फा बीटा इसे कहता है, मतलब अल्फा अल्फा इसे, तो क्या है एक तरह कोड किया है कि नहीं वर्ड को, यानी संकेत के रूप में उसको सिग्नल के रूप में लेता है कि नहीं लेता है। दिल मांगे मोर आपका आर्मी के भी बोला था कि दिल मांगे, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, जैसे नहीं अल्फा अल्फा, तो उसको बाहरी आदमी उसको नहीं सोचे, जो सेना का आदमी वही समझे, तो समझे। तो यही दिल मांगे मोर क्या है, एक तरह कोडिंग होता है जो शब्द संकेत परिवर्तन को बताता है, यानी हम कोई शब्द को संकेत में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, समझे। अल्फा अल्फा नहीं कहता, फोन पर सुनिएगा कब फिल्म में अल्फा अल्फा इतना इतना पर इतना हो गया, तो क्या है मतलब पूरा वर्ड नहीं बोलता, कोडिंग में ही करता है। जैसे मान लीजिए अभी दुकान, किसी के पास दुकानदार होंगे तो देखिए कैसे कोड करते, कोई का दाम लिखना होता है, जैसे मान लीजिए 125 रुपया है, तो उसको मान लीजिए 1 को ए लिखेंगे, 2 का बी लिखेंगे, उसके बाद आपका 5 का मान लीजिए वो क्या लिखेंगे आपका ई लिखेंगे, तो ए बी ई क्या करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको हम कहेंगे ए बी ई जो करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा इसको हम संकेत के रूप में क्या किए हैं, परिवर्तित कर दिए हैं, समझे। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 112 का आपका 1 नंबर हो जाएगा कि शब्द संकेत परिवर्तन, इस शब्द को किस रूप में परिवर्तन कर दिए हैं, संकेत के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं, समझे। अगला क्वेश्चन है कि कथन पढ़िए कि जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते हैं, समझे। यानी कह रहा है कि जब तक आप प्रचुर मात्रा में डिटेल में आप नहीं पढ़िएगा, एक विस्तार से कोई चीज़ नहीं पढ़िएगा, तब तक आप प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है, देखिए सरसरी दृष्टि में तो ऊपरे ऊपरे मुख्य बात पढ़ते हैं, बारीकी से कोई विशिष्ट चीज़ पढ़ते हैं, समझे। गहनता की बात नहीं, गहन पठनता होता तो इसमें हम कोई भी छोटा टॉपिक को मतलब क्या करते हैं, उसको थोड़ा शब्द बाई शब्द पढ़ते हैं, लेकिन जो विस्तार से जो पठन होता है कि
हैं, एक एक चीज़ को एकदम अच्छा से हम जब पढ़ते हैं तो उसे विस्तार में पठन कहते हैं। इसलिए 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा, विस्तार से पठन हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्चन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त होता है, क्या परिचय प्राप्त होता है? तो देखिए आप जानते हैं कि भाषा अर्जन के बारे में कौन दिया हुआ है, तो भाषा अर्जन के बारे में आपका पॉलोव नहीं दिया है, न वाइगोस्की दिया है, न पियाजे दिया है, आपका कौन दिया है, चोमोस्की दिया हुआ है, समझे। यही बताया था बच्चा में क्या होता है, जमजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिसे LAD एक उपकरण होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी के माध्यम से बच्चा भाषा अर्जन अधि उपकरण बोलते हैं या यंत्र बोलते हैं, इसी के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है, समझो। वाइगोस्की सामाजिक अंतरक्रिया पर जोर दिए थे, पॉलोव तो व्यवहारवादी थे, और पियाजे आपका बोले थे कि समायोजन और आत्मसातीकरण के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, समझे। 114 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। उसके बाद है 115 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर में उतार और चढ़ाव, के जो बोली में उतार है चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए आप लय समझते होंगे, लय नहीं होता है, उसे स्वर शैली बोलते हैं, कि स्वर जो है उसमें उतार चढ़ाव, स्वर हमारा शैली है, कहाँ उच्च आवाज़ में बोलना है, कहाँ धीमा बोलना है, ये हमारा स्वर अक्षर तो होगा नहीं और विराम होगा नहीं, क्या है हमारा स्वर शैली है, समझ गए। आगे है कि वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिए पहला ऑप्शन है मुस्कुराहट तो होगा नहीं, खुशी होगा नहीं, समझे। शब्द संपदा बच्चा बोलना कि बात करेंगे शुरुआती चीज़ है, शब्द संपदा थोड़ा आगे क्लास में जाके होगा नहीं, उसमें जो वर्ड मीनिंग होगा वो आगे बच्चा का विकास होगा, उसमें भाषा की ध्वनि सीखने की शुरुआत होती है, समझे। बात करेंगे तो भाषा की जो ध्वनि होगा वो क्या होगा, शुरुआत होगा, यानी 116 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बच्चों की भाषा संबंधित, आप जानते हैं कि बच्चा पहले कुकिंग करता है, बलबलाता है, समझे, तो बोलना हंसना ये सब समझे कौशल है आपका, घर घर आना ये सब कुछ है नहीं, हंसने लिखा हुआ जो तुतलाना या जिसी को हम लोग कहते हैं बलबलाना, समझे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका, इसी को हम लोग कहते हैं तुतलाना यानी बलबलाना, इसी को कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे, यानी बी आंसर इसका 117 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। इसी को बलबलाना बोलते हैं जो 7 महीना बाद बच्चा में आपका होता है। अगला है श्री सूरी गुरमीत अपने विद्यार्थी को COVID-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है, सुश्री गुरमीत को चाहिए कि क्या करना चाहिए, समझे, यानी कह रहा है कि सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को COVID-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है, समझे, कुछ वाक्य भी लिखवा रही है, ब्लैक जहाँ भी लिखवा है, समझे। तो श्री श्री गुरमीत को क्या चाहिए, तो पहला ऑप्शन है उसने श्यामपट पर जो कुछ लिखा, देखिए ये तो अनुसरण वाला बात हो गया, तो है नहीं इसमें, लिखवाना चाहती है और इमला बोले ये तो नहीं है, देखिए आप 3 नंबर ऑप्शन पर जो सबसे अच्छा है, 3 नंबर नहीं, 3 नंबर में तो कहता है विद्यार्थी से कहे घर पर आते माता पिता, ये तो होगा नहीं, मदद को बुलाए, और जो चौथा ऑप्शन है देखिए सबसे बेटर है कि विद्यार्थी से कहे कि महामारी के द्वारा अपने अनुभव साझा करें, देखिए अनुभव साझा करना सबसे पॉजिटिव वर्ड होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 118 क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 119 नंबर क्वेश्चन है कि सुश्री ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है, चित्र दिखाने के बाद वो ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उसका नाम बुलवाती है, इस तरह से वो क्या कर रही है, तो अपने विद्यार्थियों को नए वस्तु देखने में मदद कर रही है, अपने विद्यार्थियों को नया शब्द सिखा रही है, हाँ ये चीज़ हो जाएगा, ये क्या कर रही है कि 2 के कुछ वस्तुओं का चित्र दिखाती है, जैसे एप्पल का चित्र दिखा दी, समझे, और उसको नया शब्द को सिखाना था, उसको क्या करती है ऊंची आवाज़ में स्पष्ट से बोलती है, क्या होता है अपने विद्यार्थियों को नया शब्द सिखाना चाहती है, समझे। 119 का 2 नंबर हो जाएगा। 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ सागर में दी गई सूचना पर क्या करता है, जोड़ता है, तो जोड़ना क्या कहलाता है आपका, स्कीमा कहलाता है, संकेत परिवर्तन तो बोले थे क्या कि उसमें हम कोई चीज़ को संकेत के रूप में, जैसे अल्फा अल्फा बोले थे, अधिगम में तो हम कुछ मानवीय होगा नहीं, तो आपका आंसर स्कीमा हो जाएगा, 120 का आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। थैंक यू।